अस्सलाम वालेकुम गाइड्स, आज मैं चने की दाल की कढ़ी बताने जा रही हूँ। इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसकी ग्रेवी मैं बहुत शॉर्टकट पे बताऊँगी। पहले आपको मैं इसको भजिया बनाने का तरीका फुल बताऊँगी। मैंने चने की दाल को भिगा दिया था और इसको इस तरह से सिल पर पीस लिया है। पीसने के बाद ये देखिए, जो सिल पर हम दाल पीस लिए हैं, अब इस दाल को उसके अंदर हरी चटनी यानी लहसुन मिर्चा और को हरी धनिया इसको डाल दिया है, और खाने का सोडा 1 चम्मच डाल दिया, ज़ीरा, अजवाइन और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी धनिया 1-1 चम्मच मैंने लिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला और प्याज अच्छी मज़े के, ज़्यादा से 2-3 प्याज मैंने काट ली है। और काटने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये जो मैंने दाल पीसी है इसके अंदर इसको डाल देंगे। और हरी चटनी में तो नमक रहता ही है, दाल पीसा ही जाता है। अब इसको हमने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से दबा दबा के मिक्स करेंगे। इससे क्या होता है ना, जब हम दबा दबा के मिक्स करते हैं ना, तो बारीक कटी हुई तो प्याज रहते ही है, फिर छुट्टा छुट्टा हो जाती है रेशा रेशा में। इस तरह से आप इसको हरी चटनी में अच्छे से खूब मिक्स कर लीजिए। और इसी भजिए से हम वो बनाएंगे कढ़ी। अब हमने तेल रख दिया है गैस पे और इसको फटाफट तल लेंगे। ये देखिए, अब हमारी भजिया जो है इसको थोड़ा सुनहरा तलेंगे, और तलने के बाद इसका जो है ना, हमने मसाला रेडी कर लिया है पहले से। तो 150 ग्राम दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, और फेंटने के बाद कड़ी पत्ता और पहले गैस पे हम मैंने पतीली रख के उसके अंदर कड़ी पत्ता, ज़ीरा और अक्खी लाल मिर्ची इसको बघारा दिया है। फिर पूरा गरम मसाला, लहसुन मिर्चा, अदरक उसको पतीली में डाल दिया। क्योंकि ना आपको इसकी नहीं करना पड़े ना, इसके लिए मैं बहुत ही शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो उसको अच्छी तरह से भून लिया है, और जो मैंने 150 ग्राम दही थी उसको अच्छे से फेंट के मिक्सी में घोल के, और उसके अंदर थोड़ा 1/2 कप बेसन को भी मैंने डाल दिया, और जो मैंने सिल पे पीसे थे ना चने की दाल उसको भी दे ली हूँ। अब ये बॉईल हो गई, इसके अंदर मैं भजिया डाल के इसको अच्छी तरह से थोड़ा पकने रख देंगे। जब ये भजिया गल जाएगी तो हमारी कढ़ी रेडी हो जाएगी।